इस वीडियो में आप जानेंगे इंडिया की तीन सबसे भूतिया जगहों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलथरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलथरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलथरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलथरा को किसी की बुरी नजर लग गई, वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अयाज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। इस गांव की सरहद पर एक फाटक है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर निजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहां कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। आपको कुलधरा के रहस्य के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। पहाड़ों की रानी मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साय के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटल में से एक रहे होटल सवॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है, तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। आज का सवॉय दरअसल 19वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सवॉय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉल रूम, आलिशान पार्क गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड रूम, यहां तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी।
तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी सन थी। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट ओमी की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट ओमी की हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ल के बाद सेवॉय की कहानियां पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गार्नेट ओमी का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबो गरीब मौत के बाद दो और लोगों, डॉक्टर जिसने ओमी की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक प्रिंटर जो ओमी के लिए पेटिंग किया करता था, की रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद सेवॉय के दरे दीवार में मनहूसियत सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सेवॉय के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी के दौलत से खरीदा था। वो सिलसिलेवार कातिल था जिसने बाद में जायदाद की खातिर बीवी की भी हत्या कर दी। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सेवॉय अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में यह वो दौर था जब इन दीवार के पीछे की बातें वहीं दफन कर दी जाती थी। जो बाहर ले जाता उसका अंजाम मौत होता था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। सेवॉय से आती कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दिया। यूं तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं कर पाया। कहते हैं वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को गिराने की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिख जाती है। आज यह होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से ओमी की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी ओमी की रूह का हाथ है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोक सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। कालका से 41 किलोमीटर दूर आता है बड़ोक स्टेशन, जहां यह सुरंग है। बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक के नाम पर पड़ा। इसके बनने के पीछे कर्नल बड़ोक की दुख भरी कहानी है। बड़ोक रेलवे स्टेशन के पास है बड़ोक सुरंग, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबी यह सुरंग हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है। यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक को दी गई थी। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर दो छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ोक की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मजदूरों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। बड़ोक इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और सुरंग के नजदीक ही खुद को गोली मार ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस जगह पर आज बड़ोक पाइनवुड होटल है। कर्नल बड़ोक की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर एचएस हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई। इस जगह को टनल नंबर 33 भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा बड़ोक सुरंग। ऐसी कहानी प्रचलित है कि एचएस हर्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार चायल के रहने वाले साधु बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहां अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहां मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहां इंजीनियर के चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के करहाने की आवाजें आती हैं। यह टनल बेहद खौफनाक है भी। अगर टनल के अंदर लगी सारी लाइटें बुझा दी जाएं, तो अंदर बेहद डरावना मंजर होता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी, जहां से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। सरकार ने उस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं डाला गया। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाजें सुन सकता है। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी का बटन जरूर दबाएं।